डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम क्लास पॉलीकीड्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे पॉलीकीड्स पॉलीकीड्स ग्रीक वर्ड्स पॉली का मतलब है मैनी और कीटा का मतलब है हेयर यानी पॉलीकीड्स के अंदर मोस्टली मेरीन एनिमल्स हैं और इनका साइज़ जो है फाइव से टेन सेंटीमीटर लॉन्ग है फिफ्टी थ्री हंड्रेड स्पीशीज़ इसकी मौजूद हैं पॉलीकीड्स जो है क्लास एनिलिडा की फाइलम uh, एनिलिडा की सबसे बड़ी क्लास है पोलीकीड्स के अंदर जो एनिमल्स हैं देर नॉर्मली एग्जिबिट वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स यहाँ पे देखें दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकीड इसकी बॉडी के सेगमेंट्स आप देखें दिस इज ऑल सेगमेंटेड बॉडी अब ये ज़्यादातर कहाँ पर रहेंगे ओशियन फ्लोर में अंडर द रॉक्स शेल्स एंड विद इन द क्रीविज और कोरल रीफ्स दूसरे पोलिकड्स जो हैं दे आर बर्वर्स एंड दे मूव थ्रू द सबस्ट्रेटम और जो इन में कंट्रेक्टाइल का मेकेनिज्म है दैट इज द पेरिस्टेटिक मूमेंट फिर इसके अंदर नॉर्मली बकेट ऑफ इंटरटाइडल सेंड जो है दिस एंटर इंटू द बॉडी ऑफ द बर्वइंग एनिट्स कुछ पॉलिकट्स के स्ट्रक्चर जो हैं दे आल्सो कंस्ट्रक्ट ट्यूब्स ऑफ सीमेंटिड सेंड ग्रेनस एंड दे सिक्रीट ऑर्गेनिक मटीरियल्स फिर ट्यू ये जो ट्यूब्स मौजूद होंगी दे आर लाइन विद द म्यूकस एंड सर्व एज प्रोटेक्टिव रिट्रीड्स एंड फीडिंग स्टेशन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन की जब बात हो रही है मेटामिज़्म को हम नहीं छोड़ सकते मेटामिज़्म हमने पहले भी कहा कि यह एनिलीड्स का पॉलीकीड्स का इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरस है इसके अलावा इसके अंदर जो लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनको हम कहते हैं पैरापोडिया पैरापोडिया को आप यूँ कह सकते हैं कि दीज आर लिटल फुट दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दिस पोलिकट्स काइटनियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं ये काइटनियस रॉड्स जो हैं ये पैरापोडिया को सपोर्ट करती हैं न्यूमरस सीटें जो हैं दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पैरापोडिया और उसकी वजह से इस क्लास का नाम जो है वो पैरापोडिया सीटें ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं

स्टोमा का मतलब है माउथ अब प्रोस्टोमियम जो है पॉलीकीट्स में एक लोब है दैट प्रोजेक्ट्स डोर्सली एंड इंटेरियरली टू द माउथ एंड कंटेन न्यूमरियस सेंसरी स्ट्रक्चर्स। इसमें है आइज एंटीने पैल्प्स सिलिएटेड पिट्स या ग्रूफ्स उन सबको हम कहेंगे न्यूकल ऑर्गेन्स अब जो फर्स्ट बॉडी है सेगमेंट्स की पेरिस्टोमियम दिस द माउथ एंड बियर सेंसरी टेंटिकल्स फिर जो पोलिकीड्स का एपिडर्मस है दिस नॉर्मली कंसिस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलनर सेल्स दैट सिक्रीट प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग क्यूटिकल अब कुछ पोलिकीड्स के अंदर एपीडर्मल ग्लैंड मौजूद हैं दे नॉर्मली सिक्रीट सम ल्यूमिनिट सिक्रीशन अब पॉलिकीड्स की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं इनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन डिफरेंट है सम विल शो वॉकिंग सम विल शो फास्ट क्रॉलिंग और स्विमिंग इस वजह से लॉन्गील मसल्स जो हैं वो बॉडी की एक साइड पे दे एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू द लॉन्गील मसल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी अब दोनों मसल्स की एंटागोनिस्टिक मूवमेंट से एनिमल जो है दिस विल शो प्रोपल्सिव लोकोमोशन और इसके सीटें जो है दे एक्ट अगेंस्ट दबस्ट्रेट आर वाटर दैन पैरापोडिया ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी और आउट ऑफ फेज विद वन अनदर अब लॉन्गिट्यूडल मसल्स हर सेगमेंट के कंट्रैक्ट करेंगे पैरापोडियल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे इसकी वजह से सीटें जो हैं दे विलूड आउट एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर सब मिलकर ये स्ट्रक्चर एनिमल को फैसिलिटेट करेंगे लोकोमोशन में और इसको चाहे वो क्रॉलिंग है चाहे वो स्विमिंग है अब जो अगर स्विमिंग पे हैं तो वहाँ पर अंडुलेटिंग वाटर करंट्स हैं वेव्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी और एनिमल को पुश करेंगी थ्रू दिस स्ट्रक्चर वी कैन सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन इन केस ऑफ फाइलम एनीलिड्स एनीलिड्स जो हैं दे कैन बी स्लो वॉकिंग दे कैन बी रैपिड क्लो रैपिड क्रॉलिंग दे कैन बी स्विमिंग अब हर एक के अंदर आप देखें स्लो वॉकिंग के अंदर सिक्स टू एट सेगमेंट्स की एवरेज बॉडी लेंथ है रैपिड क्रॉलिंग के अंदर फोर्टीन सेगमेंट्स की वेव लेंथ है स्विमिंग सेगमेंट्स के अंदर फोर्टी सेगमेंट्स जो हैं इनकी वेव लेंथ है जिस तरह से इनका एक्टिव मोड ऑफ लाइफ बढ़ता है उसी तरह से इनके बॉडी सेगमेंट्स की वेव लेंथ भी बढ़ जाएगी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमने बात की मसल्स की लॉन्गी मसल्स फिर इसके अंदर जो हैं लॉन्गील मसल्स रिलैक्स होंगे कंट्रैक्ट करेंगे उसी साइड पे एनिमल की डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन होगी दीज आर ऑल द पैरापोडिया पैरापोडिया के साथ पैरापोडियल मसल्स हैं लॉन्गील मसल्स हैं पैरापोडिया मसल्स दीज आर ऑल स्ट्रक्चर लॉन्गी मसल्स दे हेल्प द एनिमल In showing locomotion in different kinds of habitats.